हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में। तो सब्जेक्ट का नाम है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटेशन। तो कंप्यूटेशन का मतलब क्या, एनी टास्क दैट कैन बी परफॉर्म बाय अ मशीन इज नोन एज कंप्यूटेशन। सपोज दैट कोई एक मशीन है, वो कोई टास्क परफॉर्म अगर करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस सब्जेक्ट के पर्स्पेक्टिव से देखा जाए, सपोज दैट अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम पी है, ओके, तो इस प्रॉब्लम पी को हमें क्या करना है, कंप्यूट करना है, यानी दैट मीन्स सॉल्व करना है। तो एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग एल्गोरिथम लिखते हैं, ओके, और उसके बाद क्या करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। यही हमारा सोल्यूशन होता है। लेकिन इस सब्जेक्ट में क्या देखेंगे, इससे एक स्टेप पहले, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये प्रॉब्लम कंप्यूट कर सकते हैं, यानी दिस प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व बाय अ कंप्यूटर और नॉट सॉल्व बाय अ कंप्यूटर। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सपोज दैट एक प्रॉब्लम पी है, हमें क्या करना है, इसको कंप्यूट करना है। तो कंप्यूट करने के लिए एल्गोरिथम लिखते हैं, फिर प्रोग्राम लिखते हैं, या डायरेक्टली प्रोग्राम लिखते हैं। लेकिन अगर इस प्रॉब्लम को हमें ये आइडेंटिफाई करना होगी क्या ये प्रॉब्लम कंप्यूटेबल है या नहीं, तो क्या करेंगे, अगर हमने इसके करस्पॉन्डिंग एक मशीन डिज़ाइन कर दी, यानी इस प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग अगर एक हम मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं, मशीन कौन कौन सी है, यहाँ लिखी हुई है, ये टोटल चार मशीन है। सबसे पहला क्या है, ट्यूरिंग मशीन, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एंड पुशडाउन ऑटोमेटा एंड लास्ट वन इज़ फाइनाइट ऑटोमेटा। ये क्या है चीज़ें, ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इस प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग हमने एक मशीन डिज़ाइन कर दी, इन चारों में से कोई भी, यानी इन चारों में से अगर कोई भी एक मशीन हमने डिज़ाइन कर दी इस प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम क्या होगी, कंप्यूटेबल होगी, ओके। लेकिन अगर इस प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग इन चारों में से कोई भी मशीन डिज़ाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम को क्या कहेंगे, नॉन कंप्यूटेबल। तो ये प्रॉब्लम किस तरीके, सपोज दैट अगर एक प्रॉब्लम है कि अगर हमें क्या करना है, एक्सेप्ट ऑल सी वैलिड प्रोग्राम, एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जितने भी एक प्रॉब्लम हमें क्या करना है, ये प्रॉब्लम क्या है कि हर वो सी प्रोग्राम, यानी सी प्रोग्राम जो कि वैलिड हो, तो क्या इसके करस्पॉन्डिंग कोई हम मशीन डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग मशीन कैसे डिज़ाइन करेंगे वो हम फर्दर वीडियोज़ में देखेंगे डिटेल में, लेकिन अभी खाली क्या करना है, हमें इसका बेसिक समझना है कि इस प्रॉब्लम को कंप्यूटेबल या नॉन कंप्यूटेबल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हम मशीन डिज़ाइन कर सकते हैं, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई एक सी प्रोग्राम है वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो क्या करते हैं, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है कंपाइलर, ओके, तो कोई भी एक प्रोग्राम लिखा, उसके बाद अगर हम इसको कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करने के बाद अगर कोई एरर नहीं होती है, तो इसका मतलब ये आपका जो प्रोग्राम है, इसका मतलब ये प्रोग्राम वैलिड है। तो अगर इस प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग हमने एक मशीन डिज़ाइन कर ली, मशीन क्या है, यहाँ एक तरीके से कंपाइलर को एक मशीन अगर एज्यूम करें, तो ये अगर एक मशीन हमने डिज़ाइन कर ली जो कि कंपाइलर, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये प्रॉब्लम यानी जो प्रोग्राम है तो वैलिड हो गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रॉब्लम थी वो क्या हो जाएगी आपकी, कंप्यूटेबल, ओके। लेकिन अगर इसी प्रॉब्लम में ये एक्सेप्ट ऑल सी वैलिड प्रोग्राम और एंड नेवर, इसको अलग से लिखते हैं, ये एक प्रॉब्लम थी P1, एक्सेप्ट ऑल सी वैलिड प्रोग्राम। अब एक प्रॉब्लम P2, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये आपका कंप्यूटेबल है या नॉन कंप्यूटेबल है। ये इतना ही है, यानी विच इज़ इक्वल्स टू प्रॉब्लम P1 प्लस, इसमें एड ऑन कर रहे हैं, क्या है, एंड नेवर गोज इनटू इनफाइनाइट लूप, ओके। मतलब कहने का मतलब, ओवरऑल ये प्रॉब्लम P2 क्या है कि एक्सेप्ट ऑल सी वैलिड प्रोग्राम along with never goes into infinite loop, तो क्या इसके corresponding कोई एक मशीन डिज़ाइन कर सकते हैं, नहीं, ओके, तो प्रॉब्लम P2 क्या हो जाएगी आपकी, नॉन कंप्यूटेबल, ओके। तो इसके फर्दर डिटेल में जाने से पहले कुछ इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होंगी।
सबसे पहली चीज़ है सिंबल। तो सिंबल क्या होता है पहले ये देखते हैं। सिंबल क्या है, यहाँ ए बी सी डी अप टू जेड, 0, 1, 2, 3 अप टू 9 प्लस, यानी जितने भी सिंबल्स हम देखते हैं, चाहे वो आपका कोई एक पिक्स हो, मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें हमें दिखती हैं वो क्या है, एक तरीके से कोई ना कोई सिंबल है। तो अब नेक्स्ट क्या है आपका, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। अब इसको देखते हैं ये क्या है, नॉन एम्प्टी, यहाँ दो टर्म यूज़ हुए हैं, एक आपका है नॉन एम्प्टी, दूसरा है फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, यानी इस सिंबल से हम ये जो आपका सिंबल का सेट है, ये पूरा एक सेट है जिसमें कई सारे सिंबल्स होंगे, इस सिंबल से अगर हम कोई भी एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट पिक करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक सिंबल बनाया फॉर एग्जांपल 0 एंड 1 का, यानी 0 और 1 दो सिंबल लिए, इसको हमने पिक किया और इसको एक सेट में लिखा जो कि आपका क्या होना चाहिए, फाइनाइट सेट। अगर ये फाइनाइट सेट है और नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी मीन्स कि कोई एक ऐसा अल्फ़ाबेट जिसमें कोई भी सिंबल है ये पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स फाइनाइट सेट का मतलब कि इसमें जो भी एलिमेंट्स लेंगे वो फाइनाइट होंगे। दूसरा कंडीशन इसके साथ है कि वो सेट में ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एक सिंबल, एक भी सिंबल ना हो, दैट मीन्स एक ऐसा सेट, यानी एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, ये आपका ये वैलिड नहीं है। तो इस तरह की चीज़, इसलिए लिखा हुआ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, और इसको क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा नोटेशन यूज़ करते हैं, सिंबल सिग्मा। तो कहीं अगर सिग्मा लिखा हुआ, सिग्मा विच इज इक्वल्स टू 0, 1, दैट मीन्स ये क्या आपका अल्फ़ाबेट। ओके, अल्फ़ाबेट क्या हो सकता है, अगर सपोज दैट हमने एक कोई सिंबल लिया ए एंड बी, तो ये भी हमारा अल्फ़ाबेट है, या अगर एक कोई हम सेट ले रहे हैं ए बी सी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा। वो जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके करस्पॉन्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल ये सिग्मा किसके लिए है, बाइनरी नंबर के लिए। बाइनरी नंबर में कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं, 0 एंड 1, तो ये उसके लिए एज ए इनपुट है। फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सिग्मा क्या होगा, ए बी सी टिल जेड, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे यही सिंबल यूज होते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट है क्या, स्ट्रिंग, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल फ्रॉम द अल्फाबेट। ओके, तो सपोज दैट एक अल्फाबेट लिया सिग्मा विच इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी। ओके, ये हमारा अल्फाबेट है। अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या, स्ट्रिंग जनरेट करना है। तो स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल फ्रॉम अल्फाबेट। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या स्ट्रिंग हो सकती है, अगर हमको एक स्ट्रिंग लिख दिए ए बी ए बी, तो ये इसी अल्फाबेट से हमने क्या किया, स्ट्रिंग को डिराइव किया। दूसरा क्या हो सकता है, बी ए बी ए, ये भी एक स्ट्रिंग होगी। एक हो सकता है ए बी ए हो, ये भी एक स्ट्रिंग होगी। स्मॉल ए, ये भी एक स्ट्रिंग हो जाएगी। बी, ये भी स्ट्रिंग हो जाएगी। यानी इस पूरे सेट में से कितने सिंबल है, 2, इनको हम किसी भी ऑर्डर में लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी स्ट्रिंग। लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या है कि इसमें इसकी जो लेंथ होगी, यानी सीक्वेंस जो होगा वो क्या होगा, आपका फाइनाइट। दैट मींस लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर इस स्ट्रिंग की हमें लेंथ कैलकुलेट करनी होगी तो कितने सिंबल इसमें यूज हुए, 1, 2, 3 एंड 4, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या आ जाएगी, 4। ओके, अब नेक्स्ट क्या है आपका, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सिग्मा दिया हो 0, 1, ओके, सिग्मा 0, 1 दिया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हमें स्ट्रिंग लिखनी होगी तो क्या आ सकता है, 0, 0, ये भी एक स्ट्रिंग होगी। 1, 1, ये भी एक स्ट्रिंग होगी। 1, 0, 1, ये भी एक स्ट्रिंग होगी। 1, 1, 1, ये भी एक स्ट्रिंग होगी। 0000, ये भी स्ट्रिंग होगी। 1, 1, 0, 1, तो इस यानी इसके करस्पॉन्डिंग अगर स्ट्रिंग लिखेंगे तो 0 और 1 का कॉम्बिनेशन आएगा। लेकिन अगर हमने सिग्मा ये लिया हुआ है 1, b और इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग लिख रहे हैं 1, 0, 1, तो ये इसका पार्ट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें सिंबल क्या यूज़ हो रहे हैं, ए एंड बी, और यहाँ स्ट्रिंग क्या आ रही है, 101। तो 101 कभी इस अल्फ़ाबेट से जनरेट नहीं हो सकता, वो कहाँ से आएगा, इधर से। ओके, नेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग या कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल सिग्मा विच इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी है, अब हमें एक लैंग्वेज लिखनी है L1, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ
लेंथ 2, ओके, लेंथ 2, यानी हमें इसमें कौन कौन सी स्ट्रिंग आएगी, लेंथ 2 का मतलब सिर्फ दो एलिमेंट आएंगे, तो या तो ए इसके करस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं, ये नहीं है अभी फिलहाल के लिए, तो अगर इसकी लेंथ, यानी इसका मतलब यहाँ भी कोई एक सिंबल होगा, यहाँ भी कोई एक सिंबल हो, तो क्या हो सकता है ए, दूसरा क्या हो सकता है ए बी, तीसरा क्या हो सकता है बी ए, और चौथा क्या हो जाएगा बी, तो ए ए बी बी ए एन बी बी। तो अगर इस अल्फ़ाबेट के करस्पॉन्डिंग अगर हम ये लैंग्वेज लिख रहे हैं तो क्या है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एग्जैक्टली 2, तो उसमें कौन कौन सी स्ट्रिंग आएगी, ये एक दूसरी लैंग्वेज लिखते हैं L2 विच इज़ इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3, ओके, तो लेंथ 3 क्या होगी, लेंथ 3 में टोटल क्या आ जाएगा ट्रिपल ए, लेंथ कैसे करेंगे 1 2 3 सिंबल, दैट मीन्स लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग विच इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट क्या आ जाएगा ए ए बी, ये एक आएगी स्ट्रिंग, नेक्स्ट क्या आ रहा है ए बी ए, ये एक स्ट्रिंग आ जाएगी, ए बी बी, ये एक स्ट्रिंग आएगी, नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या आएगी बी ए ए, ये एक स्ट्रिंग आएगी बी ए बी, ये भी एक स्ट्रिंग आएगी बी बी ए, ये स्ट्रिंग आएगी एन बी बी बी, तो टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ रहा है। अब सपोज दैट एक लैंग्वेज हो L3 सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा इक्वल टू ए कॉमा बी, ये ए एंड बी, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद स्मॉल ए, यानी सिग्मा विच इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी, अब इसमें जो भी स्ट्रिंग आएगी उसमें स्टार्टिंग एलिमेंट क्या होगा आपका स्मॉल ए, तो क्या क्या आएगी स्ट्रिंग, तो सबसे पहले आ जाएगी स्मॉल ए क्योंकि स्टार्टिंग क्या है आपका ए, नेक्स्ट क्या आ जाएगा ए ए, नेक्स्ट ए बी, नेक्स्ट ए ए ए, नेक्स्ट ए बी ए एंड सो ऑन, ओके, तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग या कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग ये कह सकते हैं। तो अभी लैंग्वेज के बारे में और फर्दर डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बस ये देखना है, तो लैंग्वेज क्या है यहाँ पे L1 लैंग्वेज क्या है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं 4, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं 4, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 8, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हम इसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका जो सेट है वो फाइनाइट सेट है, ये आपका क्या है ये भी फाइनाइट सेट है, लेकिन ये स्ट्रिंग जो लैंग्वेज L3 है वो क्या आपकी इनफाइनाइट स्ट्रिंग, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इनफाइनाइट, क्योंकि खाली हमें स्टार्टिंग में देखना है स्टार्टिंग ए है और उसके बाद कोई भी एलिमेंट आ सकता है ए और बी का कॉम्बिनेशन। तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि लैंग्वेज जो होती है वो दो तरह की होती है, एक आपकी होती है फाइनाइट लैंग्वेज, दूसरी होती है इनफाइनाइट लैंग्वेज, ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। अब इसमें डिटेल लैंग्वेज के बारे में बाकी अदर वीडियोस में देखेंगे कि कैसे लैंग्वेज जनरेट होती है, फिर ये इसके करस्पॉन्डिंग मशीन कैसे डिज़ाइन करते हैं।